ऐसा है तो मैंने इसके तरफ गांव से ले आया तो सोचा नहीं था कि मैं ऐसा वो बड़ा गोविंद ढोलकिया अभी तो गोविंद काका हो गया, मेरा नाम है गोविंद काका, सो यू स्पीक ओनली गोविंद काका, क्यों काका हो गया कि मेरा सेकंड जनरेशन सब बिजनेस में आ गए, भतीजा सब लोग, तो ये लोग मेरे को काका बोलते, मार्केट में सब लोग काका बोलते और गांव में सब लोग काका बोलते, पूरा सूरत में काका बोलता है, मेरा पहचान में मैं एकदम गांव का आदमी हूँ। मेरा गांव जब मेरा जन्म हुआ थे 700 पॉपुलेशन का आबादी था, 1 से 4 में गांव में पढ़ा और 5-6-7-6 किलोमीटर हमारा लाठी जो तालुका डिस्ट्रिक्ट है मैं चल के नंगा थे 3 साल 5-6 और 7 में गया लाठी तालुका में पढ़ने के लिए। और जब मैं लास्ट इयर्स में था तो मेरा बड़ा भाई सूरत आया था 1 साल पहले, वो गांव आया, वो बोला चल गोविंद तेरे को आने का है सूरत, मैंने बोला कि तू तो हीरा घसने को चल ले मेरे साथ, तो मैंने बोला कि चलो आ जाओ मैं एग्जाम दे दू, मैंने बोला अभी अभी पढ़ने का ही नहीं है तो एग्जाम के क्या काम है चल, तो मैं 29 साल चल पड़ा और वहां से 1 अप्रैल 1964 को निकल के 2 अप्रैल 1964 को सूरत आ गई। तो हमारे वहां सूरत में तभी पॉपुलेशन कितना था 2,75,000 और नॉट 3 लाख ओनली 275,000। तो मैं जब आया तो 200 वर्कर ओनली डायमंड कटिंग एंड पॉलिशिंग का था जिसमें से मैं एक था, ओनली 200 टुडे मोर देन हाफ मिलियन। तो एक मैं पूरा साक्षी हूं डायमंड का जो ग्रोथ हुआ तो मेरा पहले से, तो एक आपने 6 साल फैक्ट्री में मैंने काम किया, 6 साल काम किया 14 घंटा, सुबह 6 बजे फैक्ट्री शुरू होता था और रात को 8 बजे बंद होता था, तो 14 घंटा काम करने के बावजूद भी इतना आनंद आता था, इतना आनंद आता था, ये बोला ना बहुत थक गया, ऐसा तो कभी लगा ही नहीं, क्यों हम खेत में काम करके आए थे, खेत में 43 डिग्री ओपन टू स्काई में सनलाइट में काम करने का था, तो इसलिए हमको ऊपर सच थी, तभी वो फैन और एयर कंडीशन था ही नहीं, वो कहां भी नहीं था, तो वो तो नहीं था फिर भी बहुत अच्छा लगता था कि ऊपर सच तो है। तो इसलिए हमारा कंपनी का एक सेंटेंस है, प्रॉब्लम इज प्रोग्रेस, जो जिसको लाइफ में प्रॉब्लम नहीं है वो प्रोग्रेस नहीं कर सकते, क्यों कि अगर हम प्रॉब्लम आएगा तो हम विचार करेंगे कि इसमें से निकलने के लिए मैं क्या करूं, तो थिंक आएगा, विचार आएगा, अगर जो हम थिंक नहीं करेंगे विचार नहीं करेंगे तो कोई डिसीजन नहीं ले सकते, कोई हम आगे का नहीं सोच सकते। ऐसे हमारा ये प्रैक्टिकल है कि हम 6 साल काम किया, तीन हम फ्रेंड साथ में काम करते थे, तो हमने सोचा कि चलो अपने फैक्ट्री खुद का शुरू करें, तो हम तीनों ने मिल के ये दो मेरा जो पार्टनर था उसने 2,000 निकाला, 1,000 मैंने निकाला, 5,000 रुपया में 1970 में 12 मार्च में शुरू किया और बढ़ता ही गया। मैं 1977 में फर्स्ट टाइम में बेल्जियम गया, तभी मेरा लगा कि ये दुनिया तो बहुत बड़ी है, हम सोचते ऐसी नहीं है और दिल के अपना विजन आता है, फिर ऐसे बढ़ते बढ़ते आज टुडे ये जो पूरा इंडिया का डायमंड का जो एक्सपोर्ट है 22 बिलियन का है पूरा इंडिया का, इसमें से 1.1 बिलियन का हमारा है, 5% शेयर पहुंचा गया, मगर ऐसे हमने प्लानिंग से नहीं पहुंचा। तो मैं बोलता हूं कि ये कैसे हो गया, तो आप क्वेश्चन करो, उनके पहले मैं एक बात बता दूं कि ये सब कैसे हुआ, तो एक अपना बेज बन जाएगा कि कैसे हुआ, क्योंकि हमारी बातचीत में एक डोंगरे जी महाराज बारंबार आएंगे और डोंगरे जी महाराज भागवत कथाकार थे, मैं उनका बहुत प्रभाव में और डोंगरे जी महाराज धाम में चले गए, उनको भी 30 साल हो गया, ये भागवत कथाकार थे और उनकी कथा में पहली बार मैं जब काम कर रहा था फैक्ट्री में 1968 में सूरत में उनकी भागवत कथा थी। अरे मैं गया रविवार की रजा में
मेरे को इतना अच्छा लगा, मेरे लगा कि मेरा मेरा शरीर में कोई फर्क आ रहा है, मैं अब एकदम नया जन्म हुआ है, हल्का फुल्का हो गया, ऐसा मैं पूर्व जन्म को मानता हूँ, इसलिए मेरे को लगा कि इसमें कोई है। तो मैंने मेरा शेठ को बोला कि शेठ मेरे को ये कथा सुनने का है और उसमें 7 दिन जाएगा, तो मेरे को छुट्टी दे दो 7 दिन की। तो ये बोला कि तू अभी चैनल में अभी तू ब्रूटिंग का वर्क कारीगर है, 20 डायमंड एवरी डे बनाते है, तो पीछे 8 कारीगर बैठ जाएंगे तो तेरे को 20 डायमंड बनाना पड़ेगा, तो कैसे जाएंगे। तो मैंने बोला क्या बोला भाई 20 का रास्ता निकाले, मैं रात में आपको 20 डायमंड बना दू और दिन में मैं कथा सुनू। तो उसने हाँ बोल दी। तो मैं शाम को 6:30 बजे कथा खत्म हो जाए और मैं फैक्ट्री में फिर चले जाऊँ, रात को 12-1 बजे तक मैं 20 डायमंड उनको बना दू। तो उनका भी नहीं बिगड़ा और मेरा काम हो गया, उसमें से मेरा जीवन बना। क्या बना? डोंगरे जी महाराज ने बोला कि अभी आपको मान सम्मान चाहिए तो आप सब आपका हृदय को पूछ लो। तो मैंने तो पूछा, तो मेरे को तो लगा मेरे को कोई मान नहीं देता है, मैं 17-18 साल का था, कोई पूछता ही नहीं था। तो मैंने बोला मेरे को तो बहुत मान पसंद है, मान देवे तो बोला मुफ्त में मिलेगा, आपको कुछ नहीं करने का है, उसके लिए आपको खाली मान सबको देने का है। क्योंकि ये जगत में, इस संसार में हम जिसको जैसे देते हैं वही हम पाते हैं फिर। तो हम क्या देवे? अगर हम सबको रिस्पेक्ट दे तो सब लोग हमको रिस्पेक्ट देंगे, हम नफरत करेंगे सब हमको नफरत करेंगे। तो ये बोला कि आप ऐसा करो कि आप सबको मान देने को सीखो। तो उसने एग्जाम्पल दिया, वो हमारे काम का है। उसने बोला कि हिमालय में आप चले जाओ, वहां लाखों पहाड़िया है हिमालय में, और वहां जाके अगर खिलाड़ी के कोई बड़ा आवाज से बोले भगवान तेरा भला करेगा तो 10-20 बार आवाज आएगा भगवान तेरा भला करेगा, भगवान तेरा भला करेगा, भगवान तेरा भला करेगा। अगर वहां जाके कोई ऐसा बोले कि तेरा सच्चा नाश होगा तो 10-20 बार आवाज आएगा तेरा सच्चा नाश होगा, तेरा सच्चा नाश होगा। तो वो बोला कि जैसे वो आवाज पहाड़िया में से वापिस आती है, ऐसे ही पूरा जगत में हम जो कुछ काम करते हैं, विचार करते हैं, बिहेवियर करते हैं, वर्तन करते हैं, बोलते हैं, ये सब हमको वापिस मिलते हैं। तो आप सबको ये बांटने का शुरू करो कि मान देने का शुरू करो। फिर मैंने फैक्ट्री में जाके क्या किया कि हम 40 आदमी फैक्ट्री में, सब 15 से 25 साल का था, हमारा शेर भी 20 साल का था, उनका भी मैरिज नहीं हुआ था, हमारा भी नहीं हुआ था, सब छोटे यंगस्टर ओनली। तो वो मैंने दूसरे हम सबको ऐसे बोलते थे कि भगवान भाई होता था उनको भगो बोलते थे, और वीर जी भाई होता हम उनको वीरो बोलते थे, वो मेरे को सब गोविंदा बोलते थे। तो हम ऐसे ही पूरा फैक्ट्री में जैसे यंगस्टर बोलते ऐसे हम बोलते थे। तो दूसरे दिन मैंने शुरू किया भगवान भाई, वीर जी भाई, कांजी भाई, लालजी भाई, तो सब लोग बोले ये गोविंदा नु खाई गोविंदा नु खाई। तो कुछ भी वो लोग बोले मैं खाली हंसी दू, कुछ बोलू नहीं, मगर सबको भाई करके आप ही आप कहने लगा। 2 महीना में ऐसा चमत्कार हुआ कि सब लोग मेरी मश्करी करने वाला, वो सब लोग मेरी कोई फेवर करने लगा। अगर कोई मेरी मश्करी करे तो 3 आदमी आ जाए, गोविंद भाई का नाम मत लेना, गोविंदा था ने, 2 महीने में गोविंद भाई हो गए गुफ्त में। तो मैंने बोला कि ये अच्छी बात है। तो ये जो मान सम्मान की बात थी, तब से लेके आज तक किसी ने मेरे तू नहीं बोला, सबको आप ही बोलने का। और आप बोलने से क्या फायदा हुआ कि पूरा दुनिया ने जितना मेरे को मिला सबने मेरे को रिस्पेक्ट किया। मेरा भतीज छोटा भाई था उनको भी मैंने आप करके बुलाया, मेरा भतीजा भांजा सबको आप करके बुलाया। तो क्या हुआ कि पूरा जिंदगी में एक भी भांजा के भतीजा मेरा लड़का के कुछ भी कोई ने मेरा इंसल्ट नहीं किया, मेरा बात टाला नहीं, क्यों कि सबको मैं रिस्पेक्ट देता था। थर्ड जनरेशन मेरा भांजा का, मेरा भतीजा का, ये लोग है, ये जो पहला मेरी भतीजी का लड़का है, ये जो भतीजा का लड़का है, ये जो भांजा का लड़का है, ये सब जो है एक किसी के जन्म से लेके आज तक किसी को मैंने तू नहीं बोला, सबको आप ही बोलने का। अभी उसका मौका कब मिलेगा, मेरा विरोध करने का मौका नहीं,
चीज से बैठ एक ही चीज से क्या हुआ कि मैं सब तो आप भूलता था, मेरा भाना भांजा भतीजा जो हमारा सब पार्टनर है वो सब मैनेजर को रिस्पेक्ट देने लगे, चीफ मैनेजर को, मैनेजर को, मैनेजर वर्कर को, तो पूरी चैनल में पूरी कंपनी में सब लोग आप करके बुलाते हैं। तो कंपनी में आज तक 50 साल में नो एनी कॉम्प्लेंट, कोई जात ना 47 साल हुआ 70 से लेके आज तक किसी ने भी कि हमारी कंपनी में है कि नफरत को एंट्री नहीं है, ओनली प्रेम 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 प्रेम। तो जब कंपनी में कोई किसी को दो आदमी को अगर मुश्किल आ गया, प्रॉब्लम आ गया, तो वो क्या करता है, दोनों उपला अधिकारी को बोल लेगा कि भाई ये मेरे को डांट रहा है या मेरे को अन्याय कर रहा है, अगर उससे बात नहीं बने तो एनी पर्सन कम टू मी, मैं खाली उनको ऑपरेटर को लिखा दे देगा कि मेरे को काका को मिलने का, बस बात खत्म। तो फिर मेरा टाइम से एवरी डे 2-3-4 जितना हो इतना 5 मिनट में काम हो जाता है, बुला के बोल देता हूँ कि भाई ये बात सही है, आपको ऐसे करने का है, प्यार से रहो, तो उनको भी न्याय मिल जाता है। तो ये बात जो मान की है मैंने आपको इसलिए बताई है कि मैं अभी जो खड़ा हूं यहां और यहां जो कंपनी बढ़ी है उसमें मूल में एक ही कारण है खाली सबका रिस्पेक्ट करने का, इसलिए ऑटोमेटिकली अपना रिस्पेक्ट हो जाता है। तो ये अभी मेरा जो आप गोविंद काका कौन है तो आप पूरा पहचान लिए। तो अभी आप यू हैव एनी क्वेश्चन सो यू कैन आस्क। ये जो रिस्क की बात है, कहां रिस्क नहीं है, मैं क्राउन प्लाजा में देखा था ऊपर रूम में और एसजी रोड को देख रहा था, इतना मेरे को डर लगता था कि एक टू व्हील वाला उसकी क्या हैसियत है, फिर भी वो पहली लाइन में चले दूसरी लाइन में चले, बोला भाई तेरे को तीसरी लाइन तेरी है, तेरी स्पीड है यही है, तो वो तीसरी लाइन में चलना चाहिए, मगर पहली दूसरी में चलता था तो वो रिस्क लेता नहीं था, यही तो रिस्क है। एवरीवेयर रिस्क 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 रिस्क, क्योंकि हम घर से यहां आए, मैं सूरत से आया ट्रेन में, वो भी रिस्क था क्योंकि ट्रेन का एक्सीडेंट नहीं हुआ उसकी कोई गारंटी नहीं है, कार लेके आया कार की एक्सीडेंट नहीं है कोई गारंटी नहीं है, फिर भी रिस्क देख के अपनी अपनी वो स्थिति देखने का, हम कौन है, हमको पहचान है, हमारी क्या ताकत है, हम इसमें क्या कर सकते हैं, कितना रिस्क लेते हैं, तो इसका रिस्क लेके अगर हो गया तो मैं बच सकता हूं, मैं सबको बचा सकता हूं, वो देखना चाहिए, वो विचार करना चाहिए, ऐसे नहीं कि हम देखते ऐसे ही चले, रिस्क ऐसे नहीं, मगर रिस्क तो है लाइफ में, जो हम मैनेज करते वो रिस्क ही है, बच्चा पैदा था रिस्क ही है, तो ये सब रिस्क तो लाइफ में रहेगा, मगर यही तो अचीव है, यही तो अचीव है, तो हमको उसको उल्टा करने का एनी रिस्क फॉर अस अचीव, अपने अचीव ही समझ। तो आपने जो बोला रिस्क की बात, तो मैं बोलूं कि अपना सब बिजनेस में नहीं, ज्यादा करके सब लोग लीडर हैं, उसके हाथ में किसी के हाथ में 50 आदमी काम कर रहे होंगे, किसी के हाथ में 500 कर रहे होंगे, तो अपने को क्या करना चाहिए, क्योंकि अपने को बहुत महत्व की बात है। हमारी कंपनी का सेंटेंस आई एम नथिंग बट आई कैन डू एनीथिंग कैसे निकला, तो ये कोई बुक्स में से नहीं निकला, हृदय से निकला है। ये मैं 25-30 साल पहले हमारा सब चीफ मैनेजर को लेके देखा था, वो 25-30 थे कॉन्फ्रेंस में, और सबको मैंने समझाया कि आप लोग अगर यहाँ बैठे हैं तो ऐसा अभिमान मत करना है कि हम लोग को बहुत ब्रिलियंट है, बहुत होशियार है, और इसलिए मेरे को ये चीफ मैनेजर बना दिया और मैं ये कर सकता हूँ ये कर सकता हूँ, ऐसे अगर आपको अभिमान आ जाए कि आप गिर जाएंगे। तो बोला कि मैंने उनको समझाया कि हम किस लिए अभिमान करते हैं भाई, ये रूम में हम देखे हम क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं, तो कैसे उसको नहीं कर सकते। तो मैं अभी आपको भी यही कहता हूं
कि हम क्या है, तो हमारा ज्ञान एक लाख चीज में से एक में अपना ज्ञान है, अलग अलग। मेरा डायमंड में ज्ञान है, फिर कभी कहां भी नहीं है। तो आपका कभी कोई इंडस्ट्री पे होगा, कोई क्षेत्र में होगा, बाद में तो कहां भी नहीं है। तो हम कितना अज्ञानी है, एक लाख वस्तु हम इकट्ठा करें, एक में हमारा ज्ञान है, 99,999 में हमारा अज्ञान है। इतना बड़ा हम अज्ञानी है, फिर भी हम मानते हैं आई एम समथिंग, यू आर नथिंग बट आई एम समथिंग। ये सबको लगता है, सबको लगता है। तो इसके हिसाब से अपने ये रूम में बैठे हैं तो हम क्या, हमको क्या आता है, देखो बॉटल बनाने को आता है, टेबल बनाने को आता है, मोबाइल बनाने को आता है, ये बंडी बनाने को आता है, माइक बनाने को आता है, ये कंप्यूटर बनाने को आता है, जेली बनाने को क्या आता है, आप देखो पूरा लाइट बनाने को, अब क्या कुछ नहीं, आई एम नथिंग, ये सोचने का है। आप एवरीवेयर जब थोड़ा भी अभिमान मन में आवे, बस यही सोचने का, जो भी नजर के सामने आवे, मैं ये बना सकता हूं, नहीं आई एम नथिंग, किसका है वो, क्या अभिमान क्या करते, इतना ही सोचने का, एकदम ईगो ले सोच। हमको कौन मारता है दुनिया में, कोई नहीं मारता, ईगो हमारा ईगो ही मारते हैं हमको। सिक्योरिटी कैसे मेंटेन करते हैं, और विदाउट एनी पुलिस ये पूरा सिक्योरिटी मेंटेन करता है, तो हम लोग आपके मुंह से सुनना चाहते हैं कि कैसे ही होता है, वैल्यू प्रोपोजिशन क्या है। ये बहुत अच्छी बात है, मतलब किसी को मालूम नहीं है, अपने जो इजीली मिल जाता है ना उनका कीमत नहीं होता, तो उसका जो सिक्योरिटी है उसका सबसे बड़ा कारण है अपना भारत, ये इंडिया है, दूसरा है गुजरात, तीसरा है सूरत, बाद में सब कुछ आता है। क्यों, मैं जब नामीबिया में गया 1970 में डायमंड देखने, तो वहां गवर्नमेंट की कंट्री थी, हमारा यहां से जो इंडियन एम्बेसडर था वही हमको लेके गए थे, उनके पास कितना डायमंड था, 2 मिलियन का, 2 मिलियन मीन्स 10-12 करोड़ का, तो 10-12 करोड़ का डायमंड हम उनकी ऑफिस में देखने को गया, एक घंटा हमने डायमंड देखा, 2 गनमैन वो AK-47 लेके टेबल की 2 बाजू वो खड़े रहे एक घंटे। तो हमने वो एम्बेसडर साहब शिफ्ट थे, तो वो हमने उनको पूछा कि ये लोग क्या है, हम एक लेके चले जाएंगे, तो ये हमको ये यहाँ मशीन गन लेके खड़े हैं। ये बोला ऐसी बात नहीं है, वो आपकी और मेरी सिक्योरिटी के लिए, क्योंकि यहाँ बाहर से कोई भी आदमी लेके हमको मार के ये डायमंड ले जाए, ऐसी यहाँ स्थिति है, इसलिए वो हमारा रक्षण कर रहे हैं, वो आपका ही उनका डायमंड का नहीं, आप लोग आए हैं और मैं यहाँ आया हूं, तो हमारा रक्षण के लिए वो लोग खड़े हैं। मैंने सोचा देखो, तो एक बार अश्विनी कुमार जी जो सीबीआई का डायरेक्टर था, वो आया था देखने को, डायमंड देखने को, तो उसने यही कमेंट किया था कि गोविंद भाई अभी ये बिल्डिंग में कितना जोखम है। मैंने बोला कि 100 करोड़ से ज्यादा, तो बोला 100 करोड़ से ज्यादा इसमें डायमंड है, और आपस में 2-2 किलोमीटर में कहा पुलिस नहीं है, ये कैसे चलता है। तो मैंने बोला ये आपका प्रताप है, ये भारत का प्रताप है। तो वो बोला थोड़ा सुधार करो, गुजरात का प्रभाव रखो, तो भारत का निकाल दो, ऐसा भारत का ही बोलता हूं, मगर देखो अफ्रीका में इतना सेफ्टी नहीं है, इतना सेफ्टी यूरोप में कहीं कंट्री में है, बेल्जियम में है, जर्मनी में है, स्विट्जरलैंड में है, स्वीडन में है, पर कहीं कंट्री जो ईस्ट यूरोप है वहां नहीं है। और अगर हम चले जावे के फारिस्ट में, तो एक हांगकांग छोड़ के कहां भी इतनी सेफ्टी नहीं है, अफ्रीका में नहीं है, रशिया में नहीं है। सो वी आर वेरी लकी के वी आर इंडियन, आपने इंडिया का इतनी सेफ्टी। मैं थोड़ा विषयांतर करता हूँ, थोड़ा ये बात के लिए, मगर बहुत महत्व की बात है। 20 साल पहले डीबीएस में से उनका जो ब्रोकर होता है उनके साथ मेरी मीटिंग हुई 20 साल पहले। तो मैंने उनको पूछा कि मैं रशिया गया था 97 में, 20 साल हो गया, तो मैं वहां गया तो एक फोटो निकालने के लिए वहां गया अपना सिटी को मॉस्को में,
तो वहां किसी का कोई पुराना राष्ट्र प्रमुख का एक था, वहां फोटो निकाला। तो मेरे साथ जो वहां रशिया का था उसने यहाँ से 50,000 रूबल निकाल के कोर्ट का खींचा में थे, उनके पास खड़ा रहते उसका खींचा में डाल दिया। 50,000 रूबल भी ओनली $8। तो मैंने बोला कि आपने उसके चोरी चुपके से क्यों दिया? तो वो बोला कि यहाँ कोई देखे तो अपने लूट ले वे या मत डाले। अरे भाई $8 भी रशिया मॉस्को सेंटर ऑफ द सिटी, यही स्थिति थी। तो मैंने जब हमारी फैक्ट्री में सूरत आया तो डॉक्टर को मैंने बोला कि आप तो पूरी दुनिया देखते हैं, पूरी दुनिया में जो 200 कंट्री है 250 कंट्री जो भी माने वो छोटी ज्यादा कम होती रहती है। तो मैंने बोला कि इंडिया का नंबर एक पॉलिटिशियन का कितना नंबर पर आता है? तो 200 नंबर पर आता होगा, 150 नंबर पर आता होगा। ये बोला कि आप मूर्ख है, क्योंकि आपको जो मिला है ना उसकी आपको कीमत नहीं है। अराउंड द वर्ल्ड में टॉप 5 जो सरकार मानी जाती है, टॉप 5 अराउंड द वर्ल्ड में, इसमें इंडियन गवर्नमेंट। तो इंडियन सरकार अच्छी है, अगर हमको मिली है इसकी कीमत नहीं है। क्यों नहीं है मालूम है? हमारा मानस कौन बनाता है? न्यूज पेपर, मीडिया। तो मीडिया में हम देखते हैं तो न्यूज सब नेगेटिव आते हैं, अच्छी बात आती नहीं है। मीडिया वालों का कोई दोष नहीं है, दोष हमारा है, क्योंकि हमको नेगेटिव पढ़ने में बहुत मजा आता है, पॉजिटिव हो तो हम निकाल देते हैं। 15 साल पहले सूरत में न्यूज आया, लास्ट पेपर में पढ़ा कि कड़ोदरा रोड पे 1300 रुपया का एक लूट हुआ एक लेडीज के पास से, 1300 रुपया, और अंदर के पाने में एक छोटा सा इतना न्यूज एक ही बकरा में लिखा था, बारडोली में NRI ने 1 करोड़ का डोनेशन दिया। तो वो मेरा एडिटर मेरा फ्रेंड था, मैंने फोन किया कि भाई करोड़ बढ़ा के 1300 रुपया बढ़ा, तो आपने 1300 रुपया को हाईलाइट किया और 1 करोड़ को अंदर इतना में दिया। तो वो बोला देखो भाई हमारे को तो पढ़ने वाला हमारा पेपर अगर 1,00,000 पढ़ते हैं तो 1.5 लाख कौन पढ़ेगा, 2 लाख पढ़ते तो 2.5 लाख कैसे पढ़े, हम तो वही देखते हैं। अगर हम हेडिंग बना रहे कि बारडोली में NRI ने दिया 1 करोड़ रुपये का डोनेशन तो पढ़ने वाला 50,000 मिलेगा। अगर मैं ये हेडिंग बना हूं कि लूट हो गया लेडीज को लूटा तो 2 लाख पढ़ने वाला मिलेगा, तो मैं 2 लाख वाले को छपू के वो 50,000। ये अपना दोष है, अपना दोष है, अपने की अच्छी बात हम सुनने को तैयार नहीं होते। तो अगर हम सुन, इसलिए मीडिया नेगेटिव न्यूज देती है, हम नेगेटिव पढ़ते हैं। इसलिए मैं 20 साल से सबको कॉलेज में मैं जब जाता तो सब बच्चे को यंगस्टर को बताता हूँ कि आप न्यूज जरूर पढ़ो, न्यूज पढ़ना ही चाहिए, दुनिया के साथ हमको रहने का है, मगर कभी भी 5-10 मिनट से ज्यादा न्यूज पेपर पढ़ने का नहीं, कभी भी। और हमारे पास बहुत टाइम है तो आप 1-2 घंटा पेपर के अंदर जो पूर्ति आती है ना उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, सप्लीमेंट्री को पढ़ो, तो ये कुछ भी आपको जो अच्छा होता है इसमें सब पॉजिटिव होता है, जितना अंदर का पेज में जो आता है सप्लीमेंट वो पूरा पॉजिटिव और न्यूज में पूरा नेगेटिव। तो ये अपने को सोचने का है हमारे लिए। तो इतना भारत अच्छा है, भारत का अभी रूल्स इतना अच्छा है, सेफ्टी इतनी अच्छी है, और बेल्जियम में हमारा 35 साल से ऑफिस हमारा खुद का है, वहां 700 इंडियन रहते हैं, 700 इंडियन में से 5 साल पहले 3 साल में 300 घर से चोरी हुई, इंडियन ओनली इंडियन इन एंटवर्प ओनली इंडियन, 300 घर में से 3 का भी चोर अभी तक नहीं पकड़ा, 300 में से 3 भी। और इंडिया में कोई भी चोरी हुए पूरा इंडिया में उनका जो तपास करके चोर मिल जाते हैं उनका रेशियो क्या है, 97% इंडिया में। ये बेल्जियम की मैं बात कर रहा हूँ, दुनिया की अच्छी कंट्री की बात कर रहा हूँ, छोटी कंट्री की बात कर रहा हूँ, इतनी बड़ी। ये अपने को बहुत कुछ मिला है मगर अपना खुद का है ना तो हम कीमत सोच के समझते नहीं है, इसलिए हमको आनंद नहीं आता है। मैं आपको इसलिए बात बता रहा हूँ कि दुनिया का मेरे को सब एक्सपीरियंस है,
अभी क्या बोलते हैं मालूम, हम एयरपोर्ट पर आए बॉम्बे और इमिग्रेशन में अगर 10 मिनट लग गए ऊंचा नीचा वाला सलाह की थी भारत सुधर से, ये सुधरेगा ही नहीं, कभी नहीं सुधरेगा भाई। 10 मिनट में आप अमेरिका जाओ, इमिग्रेशन में 45 मिनट लगता है, एक घंटा लगता है, वहां जाके कोई नहीं बोलता। और दूसरी बात, अगर इंडिया की आप पहला देखा, आपका जन्म पहले का इंडिया आपने नहीं देखा, मैंने देखा है कि 77 में जब 10 साल तक ऐसी सीट थी कि दो दो घंटा इमिग्रेशन में जाता था, कस्टम में चार चार घंटा जाता था। एक बार में कस्टम में मेरी छोटी बेबी 4 साल की थी, उनके लिए कपड़ा क्रॉप वगैरह लाया था। क्या किया कस्टम वाला ने, एक फ्रॉक का 300 रुपया दिन के 110% ड्यूटी लगा दी। एक फ्रॉक का 330 रुपया ड्यूटी लगाई थी फ्रॉक की, वो साइड में बात करता हूं। आज ये दुनिया आपने नहीं देखी, इसलिए अभी की दुनिया जो अच्छी है वो आपको मालूम, उनको आप भोग नहीं सकते क्योंकि पुरानी मालूम नहीं है कि ये मुश्किल था। तो ये अगर प्रॉब्लम पहला देखा होता हमको बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हम बम्बे आ गए 5-7 मिनट में इमिग्रेशन कस्टम में ग्रीन में चले जाओ। नो भाई, 11:10 को अगर बम्बे में प्लेन लैंड करता है 12 बजे में घर पहुंच जाता बम्बे, और पहले 11:10 को लैंडिंग हुआ सुबह 5 बजे पहुंचता। तो ये मैं गया हूं तो मेरे को आप आनंद आएगा कि भाई ये स्थिति थी, आपने वो दुख वो मुश्किल देखा नहीं, इसलिए आपको उनका आनंद नहीं है। तो ऐसा मैं नहीं मानता, बोलता नहीं कि आपको भी इतना परेशानी हो जाए, मगर जो मिला है वो हमको पॉजिटिव अगर हम समझे तो जीने जैसा बहुत अच्छा हमको अभी। कभी आपको ऐसा नहीं लगा कि आप उसको इज्जत दे रहे हैं लेकिन उसने आपका फायदा उठाया और आपकी इज्जत का वो ज्यादा फायदा ले रहा है, तो ऐसा लगा तो आपने एकदम सही बात है। ये क्या है इसे कि डोंगे जी महाराज जैसे बोलते हैं कि इस दुनिया में हमारा सृष्टि कैसा होता है, दृष्टि ऐसी सृष्टि, हमारी दृष्टि क्या है ये हमारे से होता है लागू। अगर मेरे को मैंने सबको प्यार दिया और एक आदमी ने उनका फैमिली में हो सकता है, रिलेशन में भी हो सकता है, विवाह में हो सकता है, ससुराल में हो सकता है, फ्रेंड में भी हो सकता है, व्यापारी में भी हो सकता है, कि हम एकदम सॉफर रहे उनका फायदा वो लोग लेते हैं, मगर देर है अंधेर नहीं है, जो हमारा फायदा लेते हैं ये असल में हमको फायदा करके जाते हैं। क्यों, ये लोग को लगता है कि आज हमें गोविंद काका को क्षेत्र है, मगर असल में उनकी जात को उसने क्षेत्र है, उनको मालूम नहीं है, वो 5 साल के बाद मालूम होगा कि उसकी जात को कैसे उसने क्षेत्र है। तो अगर हमारा कोई फायदा कोई भी मिस यूज करे तो एक बात सब पॉजिटिव क्या है वो आप समझो, पॉजिटिव यही बात है कि कोई हमको बना के चले जावे तो हम आनंद करो उनका, पॉजिटिव लोग के बेचारे को फायदा तो हुआ नहीं, वो तो बना नहीं, वो तो कुछ बना नहीं। हाँ एक बात है, हमको ध्यान तो रखना पड़ेगा, तो हमको पूरा लूट जाए तो हम ही नहीं। तो ये भी है कि पूरी दुनिया को ऐसा है कि हमारी पास जो कुछ है सबको लूट जाने का है, सबको ऐसा इच्छा है कि उनको किसी को है कि मैं व्यापार में उनको थोड़ा इतना उल्टा छुट्टा करके उनका ले जाऊं, किसी को है मैं लूट लूं, किसी को है मैं चोरी कर लूं, किसी को है मैं कुछ बनावट कर लूं, तो सबके मन में है, वो तो सामने तो सब बैठा ही हो, वो तो अपने ख्याल रख लेता है, ये अपना काम है कि हमारी सेफ्टी कैसी रहे, हमारी सिक्योरिटी कैसी रहे। सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि गुजरात और हीरे का, जो कि हीरा मूल रूप से पाया नहीं जाता है भारत में, गुजराती और हीरे का ये क्या कनेक्शन है जो कि उनको आज टॉप पर बना दिया, कुछ तो बात होगी। बहुत अच्छा भाई साहब ने प्रश्न किया, क्योंकि वो हमारा है तो आनंद आंसर देने में बहुत आनंद है। ये पूरा विश्व में एक डायमंड बिजनेस ही ऐसा है कि जो मॉरल से चलते हैं, जो डायमंड बिजनेस में मॉरल वाला आदमी नहीं है कि कोई व्यापारी नहीं है वो निकल जाता है, वो नहीं रहता। ये हमारे 15 साल पहले एक सूरत का पुलिस कमिश्नर था, तो अमेरिका हम दोनों साथ में हमारे घर पे सोया था, तो मैंने
से बोला कि देखो साहब, हम भगवान ने कहा हम खेत में सोते थे, आज हमको आपके साथ अमेरिका में सो गए, कितना भगवान ने दे दिया छप्पर, ऐसे सब बात करते थे। तो उसने मेरे को बोला कि आप जो गिनती करते वो पैसे की करते हैं कि भगवान ने कितना पैसा दिया, हम अमेरिका पहुंच गए, मगर आपको जो मिला है ना विशेष, वो आपको मालूम नहीं, मैं आज समझाऊ। फिर उसने बोला कि गोविंद भाई आप अच्छे हैं, क्यों अच्छे हैं कि आप जिनके साथ काम करते हैं ये सब व्यापारी अच्छे हैं, जो आपका सप्लायर सब है वो भी सब अच्छे हैं, आपका बायर है वो भी सब अच्छे हैं। कैसे अच्छे हैं कि मैं 3 साल सूरत में पुलिस कमिश्नर रहा, डायमंड का इतना लाख करोड़ का बिजनेस, एक भी पुलिस केस नहीं आया कि उसने मेरा पेमेंट नहीं किया, उसने मेरा पेमेंट नहीं दिया। तो ये क्या राज है कि हम आपके साथ बैठे हैं, आप फोन कर आया तो बोलो क्या है, कितना है, 2 मिलियन का, अगर 3 मिलियन का बॉक्स क्या भाव कहते हैं, 7%, नहीं नहीं 6 कर दो, ओके 6 and 8, ओके मजल मजल ही यहूदी नो वर्ड से इजराइल मजल इतने गुड लक मजल, डायमंड में मजल बोले इतने धन तो फिक्स हो जाता है। तो बोला क्या आप लोग क्या करते, तो हम पूछते हैं भाई कितने का बिजनेस हुआ, तो क्या 10 करोड़ 15 करोड़ 20 करोड़ इन 2 मिनट में, और माल कहाँ पड़ा है, तो माल बेल्जियम में पड़ा है, लंदन में पड़ा है, अफ्रीका में पड़ा है, हांगकांग में पड़ा है, अरे वहां टेबल पर खुला पड़ा है, टेबल पर वहां माल खुला पड़ा है, आपने यहां उनको कह दिया वही आदमी पासो आपको यही माल सेम टू सेम वहां से भेजे, वहां से कस्टम में जावे, कस्टम में कोई इल्टी गिल्टी नहीं होवे, बॉम्बे कस्टम में आवे, बॉम्बे कस्टम में कुछ नहीं होवे, और व्यापारी के घर आपके वहां आवे, और आपने कभी ऐसा नहीं बोला कि मैंने जो माल लिया था आपने जो बोला था वो तो है ही नहीं, आपने इनकी इसलिए मैं आपका पेमेंट नहीं करूंगा या कम करूंगा, ऐसा तो कभी दुनिया में डायमंड दुनिया में एक भी बार ऐसा नहीं हुआ। तो ये क्या राज है कि सब लोग बहुत मॉरल वाला अच्छा है। भाई का क्वेश्चन था कि गुजरात में क्यों आया और गुजरातियों के हाथ में बिजनेस क्या है, तो ये तो ऐसा हो भाई नेचुरली है, अगर हमके वहां घर काम करने वाला हमारे वहां बंबई और सूरत में कौन होते, महाराष्ट्र वाले लड़के, तो अगर मेरा पड़ोसी बोलेगा कि मेरे को एक लड़का लाके दे ले, तो वो क्या करेगा, उनका मासी का लड़का लाएगा, पाई का लाएगा, काका का लाएगा, और बाजू के घर में वही घर काम में रखेंगे। तो एक जो समाज होता है उनको बोलते हैं सामाजिक, तो ये जो एक समाज है, तो एक जो लाइन पर सड़ गया वही सड़ गया, अगर कोई टेक्सटाइल में होगा तो पूरा टेक्सटाइल में सबको उनका ग्रुप का एडजस्ट करेगा, डायमंड वाला है उनका ग्रुप में एडजस्ट करेगा। ये हमारी प्रकृति है, मनुष्य प्रकृति है कि हम जो है वो सही है और सब मेरी जैसा आनंद करके मेरी जैसा बनना चाहिए। तो डायमंड में क्या हुआ कि 2 ही कम्युनिटी गुजरात की थी, पालनपुर वाला जैन और सौराष्ट्र वाला पटेल, तो हम लोग सौराष्ट्र वाला पटेल और पालनपुरी जैन, पालनपुरी जैन के हाथ में था पूरा व्यापार और सौराष्ट्र वाला पटेल का हाथ में था पूरा मैन्युफैक्चरिंग। तो हुआ क्या कि जो पूरा विश्व में ऐसा हुआ, खाली डायमंड में नहीं, कि जिसके हाथ में मैन्युफैक्चरिंग था उसके हाथ में बिजनेस आ गया। तो इनडायरेक्टली बिजनेस जिसके हाथ में मैन्युफैक्चरिंग रहता है, डायमंड है, टेक्सटाइल है, कोई भी, तो उनके हाथ में बिजनेस आ जाता है। तो ऐसे बिजनेस करके गुजराती लोग एक थे, 2 आए 10 आए 50 आए, ऐसे करके पूरा माहौल बन गया। मैं आया कि 200 डायमंड प्रकरण था सूरत में, मगर दूसरी जगह में था ही नहीं, खाली सूरत में ही था, सूरत और नवसारी, नवसारी में 200 था, मगर वो दोनों नवसारी में बहुत नहीं बढ़ सका, सूरत में बढ़ गया क्योंकि बड़ा सिटी था। तो ये पूरा डायमंड सूरत में कटिंग एंड पॉलिशिंग का डेवलप हो गया। तो ऐसे कोई भी बिजनेस में होता है। धन्यवाद। आप कैसे हैं शोभित, क्योंकि इतना पैसा और सब कुछ है लेकिन उनके और प्रॉपर्ली अपनी लाइफ और बिजनेस, तो वैल्यू कैसे? आप सब लोग लीडर हैं, तो
बहुत महत्व की बात है, बहुत हमारे लिए महत्व की बात है। कभी भी किसी को सुधारने की भांग जड़ में पड़सो नहीं, ऐसा डोंगरे जी महाराज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गुजराती में बोले छे के कोई ने सुधारवानी भांग जड़ में पड़सो नहीं। आ दुनिया में भगवान ने बनाई छे, भगवान ने ही दुनिया बनाई है, तो सब लोग अच्छे ही है, खाली सुधरने का है तो तुम खुद सुधर जाओ, ये दुनिया पूरी सुधर ये डोंगरे जी महाराज के में प्रभाव में यही एक सेंटेंस पर कभी भी मैंने मेरा मेरे को एक साल है, दो डॉक्टर है, कभी भी तीनों में से किसी को मैंने एक भी बार पूरी मेरी जिंदगी में एक भी बार बोला नहीं कि तू लेशन करने को बैठ के तू पढ़ने को बैठ, एक भी बार। तो आप लोग बोले कि क्या हुआ अभी पढ़ाई का आपका नहीं था। देखो मैं सबको समझाता हूं कि आप लोग जो है महान वो कैसे बने, आपका जींस में भी आया होगा, फैमिली में आया होगा, वातावरण में आया होगा, भाग्य में आया होगा। बाकी जो चूहा होता है वो कितना भी बड़ा हो जाए वो कभी बिल्ली नहीं बन सकता। चूहा चूहा रहता है, सी सी होता है, तो ऐसे कभी नहीं सोच बेचारे को। अगर 60% आता है आप बोलोगे तू 98% ला तू शक्य नहीं है, मगर 60% आवे वो गलत नहीं है, 60% वाला गलत नहीं है। देखो जो अपना महान नेता है, चाहे महात्मा गांधी जी है, सरदार वल्लभ भाई पटेल है, लक्ष्मी मित्तल है, ये सब लोग धूड़िया स्कूल में माटी के स्कूल में ही पढ़े हैं, उसको एयर कंडीशन स्कूल नहीं थी, मगर जो पढ़ने का जब होता है तो वो कहां भी पढ़ जाता है। एक जोक्स की मैं बात करता हूँ कि हमारे हम लोग एवरीडे स्विमिंग में 15-20 मित्रों स्नान करते हैं, स्विमिंग करते हैं। तो एक भाई ने पूछा, हमारा गांव का एक बीजा मेरा फ्रेंड है, उनको एक भाई मेरा बाबा को मैं उस स्कूल में भेजने, कौन सी स्कूल अच्छी कहाँ भेजी, उसने बोला दुधाला की स्कूल, दुधाला मेरा गांव जो 700 आदमी का है। क्योंकि क्यों? क्योंकि जो अभी दुधाला की स्कूल में पढ़े नहीं इसमें 20 आदमी करोड़पति है। बोला ये सब दुधाला में पढ़े। तो बात है हम क्या है, हम हमारे क्या बनने का है, तो बात हमको स्कूल कुछ नहीं बना देती है, वातावरण देती है। तो मेरा जो लड़का है, मेरा सन है, उसने पांचवा में था और मेरे को लगा कि ये ज्यादा टीवी देख रहा है, और तभी एक ही चैनल आती थी कार्टून की और टॉम एंड जेरी आते थे, तो मैं उनकी पांच जाके बैठ गया, मैं उनकी जैसा बन गया, एक तो अभी चूहा आएगा, एक बिल्ली ने पकड़ लिया, ऐसा किया, कितना उनका स्टेमिना रहता है 10-15 मिनट। तो 10-15 मिनट बाद मैंने पूछा कि तेरा टीचर का नाम क्या है, तो उसने मेरे को जवाब नहीं दिया क्योंकि अभी उनकी स्टेमिना खत्म नहीं हुई थी। तो और 5-10 मिनट लगाई, फिर मैंने बोला तेरा प्रिंसिपल साहेब है कि बहन है क्या कौन है, तो बोला भाई तेरा साहेब है। तो मैंने बोला उसका नाम क्या है, तो फिर वो बोला, तो मैंने बोला कि तेरे को लेशन देते हैं घर में घर देते हैं, अरे पर इतना छोटा को नहीं देते, तू मानता मगर मैं नहीं मानता कि तेरे को लेशन देते हैं, भाई देते हैं। तो करके वो दौड़ के उसका दफ्तर ले गया, टीवी कम बंद हो गया उनको मालूम कि नहीं पड़ा, तो लेके आया और बोला देखो तूने पांचवी में इतना आता है, मेरे को तो मालूम नहीं, मैं 7 तक पढ़ा हूं, मेरे को तो इतना आता नहीं है कि पांचवी में इतना लिखने का, तो ये बहुत ब्रिलियंट हो गया, मेरे को तो मालूम ही नहीं कि तू इतना पढ़ा है, इतना तेरे को आता है। ये लेशन करने लगा दूसरे दिन करने लगा, थी कब वो लेशन करने लगा उनको ही मालूम नहीं, उनको ही मालूम नहीं, उनको वातावरण देने का है। सेम जैसे बच्चे को देते हैं सेम हमको देने का है, हमें जो लीडरशिप है हमारी, तो हमारे नीचे वाले कोई भी काम करने वाले है, एक सबको ये दुनिया में किसी को ये शब्द पसंद नहीं है कि तेरे को कुछ आता नहीं है,
तू काम का नहीं है, पागल आदमी को भी वो मंजूर नहीं है। तो ये दुनिया के अपने को लेशन यही लेने का है कि हम जैसा है ऐसा अगर दूसरा करे तो हमने रोकता वो सही है, बाकी हमारे जो जान में नहीं जो ऑपोजिट में काम करे भले अच्छा कितना भी हो हम मानते हैं वो पागल है। तो अपने आदमी से जो काम करते है उनको स्वीकार करो, अगर गलत काम करे तो उनको प्यार से समझा। तो ऐसे करके मैं बोलता हूँ, इसलिए मैंने एक भी बार जबान नहीं बिगाड़ा कि मेरा बच्चे के लिए, ऐसा नहीं कि खाली मेरा बच्चा दो लड़की और लड़का के सन के लिए, पूरा पूरा उनके लिए जो मेरा भांजा भतीजा है किसी को भी नहीं बोला मैंने कि मैं आप पढ़ने लो, फिर भी सबकी जगह पे सब बनाया। मेरा लड़का था उसने IIM में MBA भी किया क्योंकि उसमें दसवीं में तो उनको 53% आया था, मैं तभी ऑस्ट्रेलिया था उनका फोन आया तो टूर में था, हम 32 आदमी थे, तो बोला कि मैं सक्सेस हो गया और मेरे को 53% आया। मैंने बोला 63 ओके ओके गुड लक, फिर मैंने फोन रख दिया। शाम को सबको मैंने पार्टी दी पिज्जा की और फिर मैंने बोला पिज्जा पार्टी आपको कितने मेरा बेटा सक्सेस कितना परसेंट आया, बोला 63, मैंने बोला ना 53 आया, मगर अगर मैं 53 बोलूं तो आप बोले इतने में क्यों आप, इसलिए मैंने 63 बोला। और दूसरे दिन वो मेरा सन का फोन आया, पापा आप मेरे को काल बराबर सुना नहीं, मैं बोलता मेरे को 53 आया, मैंने बोला मैं सुना मगर ये मैंने एक प्लान बनाया था, मगर अभी मेरे को बोल तेरे को 42% आने वाला था, तेरे चोरी की थी कैसे तेरे को 53 असल में 12वीं में 63 लाया, IIM में 106 स्टूडेंट में उसका तीसरा नंबर आया और लंदन जाके उसने एक साल का इकोनॉमिक्स का भी किया, आज वो कंपनी का इंजन बन गया। ऐसा नहीं अंजा भतीजा हमारा सब कोई साथ में, मगर पूरा एक गोविंद काका का लड़का है, इसलिए नहीं क्योंकि एक भी बार मैंने उनको प्रेजेंट करने के लिए कंपनी में एक भी काम नहीं सौंपा। मैं वही बोलता हूँ उनकी लायकात जो होगी उनको काम मिलेगा, वो शेठ का लड़का है इसलिए कुछ नहीं मिलेगा। तो सब लोग को अभी उनका नेचर ऐसा है, ये यहाँ सब लोग बैठे हैं वो सब उनका फैन है, बस वो सबको श्रेयस काटा चाहिए, बस एक ही बात, क्यों उनका स्वभाव ऐसा है उनका पात्र ऐसी। तो सब लोग अपने को कोई नहीं मानते, हमारा स्वभाव को सब मानते, तो हमारा स्वभाव अच्छा होता है पॉजिटिव होता है हम सबको मानते हैं। हमने 5 बच्चे को भेजा था अनजान में के 5ों को स्टेशन पर 7,000 रुपया देके खड़ा कर दिया, उसको बोला कि आप अभी निकल जाओ और आपको एक हैदराबाद गया, एक बेंगलोर गया, एक इंदौर गया, एक जयपुर गया और एक चंडीगढ़ गया, एक महीने के बाद आपको क्या करके आप लोग आते, और उसमें से एक वीक से ज्यादा एक नौकरी नहीं करने का, ऐसा सबको क्या उनको समझाया था क्या करने का आप लोग को, कि वहां जाके सबको एक ही बात बोलते हम झूठ बोलते नहीं है, ये हमारी कंपनी में हमारा फैमिली में नहीं कि कोई झूठ नहीं बोल सकता। तो हमने बोला हम झूठ तो बोलेंगे नहीं, तो हमारा एक खेत है सूरत के बाजू के गांव में, हम सबको बताया कि ये हमारा खेत है, तो हम ये गांव का हो गया, तो हम यही गांव का है सबको बताने का, सूरत के बाजू में मेरा गांव है, मैं कॉलेज में पढ़ता हूँ, मेरा फादर को इच्छा है कि तू आगे पढ़, वो खेडू थे हमारा फादर, वो खेत किसान है, मगर मेरी इच्छा है कि अगर नौकरी कहां मिल जाए तो मेरे को पढ़ने का नहीं है, तो वो मेरा सन वो हैदराबाद गया, सब लोग ऐसे 5 गए, तो सबकी स्टोरी मिक्स स्टोरी है, मगर आपको रुपया की कदर ऐसे करके गूगल में और उसमें मिल जाएंगे रुपया की कदर। अच्छा इसमें से आप पढ़ेंगे तो हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है, खाली हिंदी गुजराती में है, तो आप पढ़ लेंगे कि उसने क्या क्या किया। ये 4 वीक में 1 महीने में वो लोग इतना सीखा, आके सब लोग ने बोला कि हम 4 साल में कॉलेज में जितना हमको नॉलेज नहीं मिला इतना 4 वीक में मिला। तो ये सही है कि मैं क्या कर सकता हूं, इसलिए ये लोग ने
क्या किया कि चार वीक में 40-50-70 इंटरव्यू दे दिया, क्योंकि उनको सिखाया गया था कि जो गांव का न्यूज़पेपर में आता है कि ये नौकरी वहां जाके इंटरव्यू देने का, यहाँ से हाथ से लिखने का, ये सबको एकदम लोकल समझाया था। तो ये लोग वहां गया और वो बोलता था कि इंटरव्यू, अभी वो लोग सब इंटरव्यू लेते हैं तो उनको मालूम है कि इंटरव्यू देने के जाओ उसकी स्थिति क्या होती है। तो अभी जो इंटरव्यू देने के आते हैं वो लोग मेरे को कभी मिल जाते रिसेप्शन में, ऐसे ही बोलते हैं कि नमस्कार करके, गोविंदा का एक मिनट, हमको यहाँ लेके नहीं ले, मगर ये इंटरव्यू जो हम अभी तक दिया, हमको जो यहाँ मान सम्मान मिला, इतना कहाँ भी नहीं मिला। अभी नहीं लिया कोई हरकत नहीं, मगर हमको आनंद बहुत आया यहाँ इंटरव्यू देने का। ये बातें बुक्स में से नहीं मिलती है। अभी रेस्टोरेंट में जाए, उसने एक भी रेस्टोरेंट में भी काम किया था, तो ये रेस्टोरेंट में जाए तो कोई व्यक्ति को हमारा फैमिली से थोड़ा भी ऊंचा आवाज से बोले, उनका भी स्थिति बताए तो उनकी मत मत कुछ कहने का तो गला पर बॉस को उनको मत, तो ये उनको हो जाता है कि उनकी स्थिति क्या है। ये लेशन शायद बोले ऐसे बुक्स में तो नहीं मिलते। मैं तो हमारा सूरत में सबको बताता हूं कि आप जिसका टॉप 10 एसएससी में आते हैं, एचएससी में आते हैं, उनका बाद में 6 साल बाद तो देखो ये क्या है, क्योंकि उसको ईगो, और मैं ना बोलता हूं कि उनको बच्चे को अभी उसका माइंड बहुत ऐसे प्राइवेट में आप उनको दो कोई हरकत नहीं, मगर इतना पूरा शहर उनको रिस्पेक्ट देता है तो बेचारा इसमें पड़ जाते हैं, ईगो नेस हो जाता है और उनका लाइफ खत्म हो जाता है। ये भी बहुत बात सही है। मेरे पास जो मैंने बोला ना जो एक्सपीरियंस है वो यही है कि गांव में 11 साल तक कोई तैरने चप्पल नहीं देखा था, और फिर भी ये 6 आना में वहां खाना मिलता लॉज में, आधा आधा तीन रोटी सब्जी 6 आना में 37 पैसे में, तो वो गांव में वो भी मैंने खाई है। और 97 में मैं मॉस्को गया तो $325 में डिनर भी लिया है, तो जो 6 आना में खा सके वो $300 का डिनर नहीं कर सके, $300 का जो डिनर करे वो 6 आना वाला नहीं खा सके। ये भी भाग्यशाली है कि मैं दोनों कर सकता हूँ। तो ये बात है कि ये सब एक्सपीरियंस मिला है कि वहां गांव में क्या स्थिति है, तो इसलिए अपना बैलेंस रहता है, ये बिजनेस में बहुत काम आता है। तो आप सब लोग को भी अनजान होके कुछ भी नहीं, ऐसा गांव में चले जाओ कि वहां लाइट भी नहीं है, कुछ नहीं है, 1-2 महीना वहां काम करो, पूरा 4-5-6 गांव में किसी की नॉलेज की अपने जरूरत नहीं पड़ेगी, खुद हमको मिलेंगे, क्योंकि हम सबको मिलते हैं मगर हमको नहीं मिलते हैं, हमको मिलना चाहिए। तो ये बात हम रखेंगे। तो क्रोध की बात ऐसी है कि गीता में भगवान ने लिखा है कि काम क्रोध और लोभ ये तीनों आत्मा की दुर्गति करने वाला नरक का द्वार है। अगर नरक में जाना तो जैसे यहाँ अहमदाबाद में 3 दरवाजा है ना, ऐसा 3 दरवाजा नरक का है, काम क्रोध लोभ, ये गीता बोलती है, हम नहीं बोलते। तो गीता में भगवान ने बोला तो ये 3 राक्षस हो गया बड़ा। कौन बोलता है? डोंगरी जी महाराज, के काम क्रोध और लोभ ये 3 बड़ा राक्षस है, ये तीनों से बचना चाहिए। तो वो बोलता कैसे बचे, तो ये बोला कि देखो ये राक्षस 3 है, 3 में सबसे बड़ा राक्षस है क्रोध। काम जिसको आवेग और आवेश आता है तो उसमें भले आनंद नहीं है मगर क्षणिक आनंद का अनुभव काम वासना में होता है, ऐसे डोंगरे जी महाराज बोलते हैं। और लोभ करने वालों को कुछ अगर बचाया तो खुद को काम नहीं आएगा तो दूसरे को काम आएगा, मगर क्रोध करने वाले को तो खुद को भी नहीं काम आता है, दूसरे को भी नहीं काम आता है, किसको भी नहीं क्रोध, इसलिए उसको बड़ा राक्षस किया। मोरारी बापू ने क्या बोला कि ये 3 राक्षस है, सही है, काम क्रोध है लोभ, मगर तीनों से हम बचने के लिए उनका कार हम समझ ले कि हम किसके कैसे हमको आता है, हमको काम क्रोध लोभ कैसे आता है, उसका काल क्या है। तो बोलते हैं टेंस आप उसको समझ लो। तो मैं आपको पूछता हूं कि लोभ का कौन सा टेंस है?
पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर लोग का है फ्यूचर और काम का प्रेजेंट काम होने वाला नहीं है और हो गया नहीं वो काम होता काम वासना प्रेजेंट में होती है प्रभु जी महाराज बोलते हैं कि ये दुनिया में कोई स्त्री कोई पुरुष खराब है ही नहीं एक समय होता है जो समय ऐसा खराब आ जाता है तो ये मिस्टिक हो जाता है ऐसे ये जो काम की जो है प्रेजेंट है और क्रोध का क्या है पास्ट क्रोध का काल है पास्ट तो अगर पास्ट कोई बदल सकेगा ये मुरारी बापू समझाते हैं खुद भगवान आ रहे तो पास्ट को कोई बदल सकेगा नहीं बदल सकेगा तो पास्ट को जब बदलने वाला ही नहीं है उसके लिए हम क्रोध करते हैं तो हम कितना घमंड है कितना अनजान है कितना अज्ञान है हो गया अभी क्या अभी हम जाते हैं किसके साथ गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया तो फिर हम झगड़ा करने लगते हैं भाई हो गया अभी तो कुछ होने वाला है नहीं अभी भगवान साक्षात आ रहे बोले कि जैसे जैसे हाथ गिरा हो गाड़ी दोनों जैसी कल जो होने वाला नहीं है तो उसके लिए क्यों क्रोध करने का तो मैं एक सत्संग में जाता था 12 साल तक ये भाई ने बोला था कि अगर आपकी गाड़ी किसी के साथ एक्सीडेंट आप क्या सोचते हैं तो हम ऐसे सोचते हैं साइकिल वाला अगर हमारी गाड़ी से टच कर गया तो हम क्या करते हैं नीचे उतर के 2 लाख डालते क्योंकि वो कमजोर आदमी है साइकिल वाला हम ऐसे समझते हैं अगर कार वाला हमें तो खाली बोल देते हैं तो हम मैं क्या करता हूं क्योंकि मैंने समझाया सत्संग में से कि मेरे पास तो भगवान की दया से आप जितना भी नाम लो जितनी विश्व में कार है सब मेरे पास कंपनी के पास है एनी कार आप जो भी नाम लो तो ये कार मेरे लिए है मेरा फैमिली का उपयोग के लिए कंपनी का उपयोग के लिए कि मगर बात क्या है सोचने का आपने को क्या है कि ये अच्छी बात नहीं है सब कार मेरे पास है तो ये तो मेरी स्वार्थी होगी मेरी होगी दूसरे को इसमें क्या फायदा तो ये साइकिल वाला अगर मेरी कार से आगे अथड़ा गया तो तभी मेरे को क्या सोचने का बेचारा वो तो 6 फुट जगह रोक के आता है मैं यहाँ 60 फुट रोक के चला जाता हूँ रोड तो मैं उनको मैं यहाँ अगर निकलता नहीं होगा तो ये साइकिल वाला मेरे को कैसे एक्सीडेंट होता तो उनकी दया करने का उसके ऊपर दाज नहीं करने का अगर जो इतना हमारा सोच हो जाए कभी क्रोध आएगा नहीं तो क्रोध पास्ट पर होता है तो हम पास्ट का जो भगवान खुद आगे बदल नहीं सकता इसके लिए हम क्यों क्रोध करें अभी हमारा हाथ में क्या है इसके लिए हम खाली सोचे और उसका रास्ता निकाले मगर कभी भी क्रोध करेंगे नहीं तो अगर मेरी बात ये क्रोध की आपको जल्दी में मैंने बोल दी है अगर मगज में आ गई है अगर अच्छी मेरी बात आपको लगी है कोई काम की लगी है तो आप 1 महीना क्रोध नहीं करेंगे ऐसा आपको नियम लेने का है यहाँ मेरा आने का गोविंद काका को यहाँ आने की सार्थकता यही है कि आपको कोई क्रोध करते ही नहीं है नहीं करते हैं उससे तो होने वाला है ही नहीं तो उनको तो नियम लेने में कोई मुश्किल है ही नहीं मगर जो उसको क्रोध आता है वो भी नियम लेते कि मैं 1 महीना तो नहीं करूंगा 1 महीने के बाद देखूंगा अगर 1 महीना आप सब लिख के रखने का मानो के 6 टाइम ऐसा हुआ कि क्रोध करने की जरूरत पड़ी तो आप लिख के कागज में रख देने का और 1 महीने के बाद 1 साथ में सबको बुला के 1 दिन में कर देना जय नारायण व्यास उनका फोन आया कि मैंने आपका यूट्यूब में स्पीच देखा और आपने जो रोटरी क्लब में क्रोध के बारे में बोला था उसके हिसाब से मैंने सुन के मैंने नियम लिया कि मैं पूरा अगर नहीं जुलाई महीने में 1 महीना में पूरा क्रोध नहीं करूंगा तो उसने नियम लिया तो बोला कि मैं इतना जिद्दी आदमी हूं कि जो नियम लेता वो करके रखता हूं तो फिर भी बोला कि 3 बार मेरे से क्रोध हो गया मगर जब मेरे से क्रोध हुआ तभी से 24 घंटा मैंने उपवास किया पानी के अलावा कुछ नहीं किया क्योंकि मैं ही भूल की मैंने नियम लिया मैंने नियम तोड़ा तो बोला कि 3 बार हुआ मगर 1 महीने में
मैं मेरी 70 साल की आयु में जितना मैंने अचीव किया एक महीने में इतना अचीव किया, एक महीना क्रोध करने नहीं करने से मेरे को ऐसा लगा था कि एक तो व्यवहार नहीं चलेगा, ये कम लोग सरकार चलेगा नहीं, मगर और अच्छा ज्यादा अच्छा 20% अच्छा चलता है क्रोध नहीं करने से। तो ये अगर आपको मेरी बात मगज में आई तो आपको ऊंचा हाथ करके ये नियम लेने का है कि मैं एक महीना क्रोध नहीं करूंगा। तो आप लेंगे तो आप अगर क्रोध कर सके तो ही, बाकी नहीं कर सके तो ही निकलने का है, कंपलसरी नहीं है। तो अरे वाह धन्यवाद, चलो अरे देखो यही लाइफ है, अगर आप एक महीना क्रोध नहीं करेंगे जिंदगी भर नहीं करेंगे, क्योंकि ये जीवन जीवानी जड़ी बूटी है। ये गोविंद का यहाँ खड़ा है, उनको 6000 आदमी का कंट्रोल करने का, 8 कंट्री में उसका कारोबार है और मोर देन 1 बिलियन का ट्रांजेक्शन, फिर भी मैंने 40 साल से क्रोध नहीं किया, और 40 साल से क्रोध नहीं किया फिर भी सब चलता है। तो अगर क्रोध नहीं करने से तो कोई चलता है, अगर मैं क्रोध करता नहीं तो 10% ही मेरा बिजनेस होता, ये 10 टाइम तो क्रोध नहीं करने से वजह से हुआ है। तो आप मेरे ऊपर विश्वास रखो वडील के हिसाब से, और मैं वात्सल्य भाव से आपको बोलता हूँ कि आप एक महीना का नहीं। देखो इनकी बात एकदम सही है सबसे, मेरे को अच्छी बात उनकी लगी है कि पान भाई ने भजन गाया है वचना विवेकी जे जे नर ने नारी पान भाई ब्रह्मादी कलागे तेने पाल। ब्रह्मादी देवता वो किसको पैर पड़ते हैं, जिसको वचन में विवेक होते हैं, उनको ऐसा लगा मैं वचन दे दूं और नीर पड़े तो इसलिए रखा इसलिए ताली बजा। मेरी बात आपको जितनी अच्छी लगी है वो मैं कुछ नहीं हूं, भगवान ने मेरे द्वारा उसको बुलाई, अगर अच्छी कोई बात लगी है तो भगवान की है, अगर आपको कोई थोड़ा हर्ट हुआ है थोड़ी कोई बात गलत लगी है तो मेरी अज्ञानता है, मेरी क्षमा याचना, फिर ऐसा कोई समय आएगा भगवान हम मिलाएंगे तो फिर मिलेंगे, तब तक